सनसनी, खुलासा, बड़ी खबर, आरोपी गिरफ्तार। क्या क्राइम को रिपोर्टिंग के नजरिए से बस ऐसे ही देख सकते हैं? पहले तो ये म्यूजिक चेंज करो यार। मुझे लगता है कि हमें हमारे सवाल भी बदलने चाहिए और क्राइम रिपोर्टिंग का लेंस भी। आरोपी, पीड़ित और अपराध, सिर्फ ये तीन पहलू थोड़ी हैं। इस पूरे अपराध की जड़ तक पहुंच के उसको एक कहानी का आकार देने वाली भी कोई है, जिसकी दुविधाएं और रणनीतियां अक्सर कहानी के पीछे ही छुपी रह जाती हैं। निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है एफ रेटेड इंटरव्यूज, जिसके पहले सीजन में मिलते हैं महिला क्राइम रिपोर्टर से, जो हमें लेके जाएंगी सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज के पीछे के रोजमर्रा में। यहाँ पत्रकारिता में माहिर होना तो जरूरी है ही, पर जासूस भी बनना पड़ता है। मैं माधुरी और मैं जूही मिलकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अपराध को नारीवादी नजरिए से देखा जा सकता है, और रिपोर्टिंग से इसकी क्या छवि हमारे दिमाग में बनती है। ये इंटरव्यू शो उन तमाम जगहों पर एफ रेट माने फेमिनिस्ट सोच को टटोलने की एक कोशिश है, और हमारा एक ही तरीका है, हम तो सवाल पूछेंगे। तो चलिए इस पहले एपिसोड में मिलते हैं प्रियंका दुबे से। कि दुनिया के जो सारे लोग होते हैं वो खतरे से आम आदमी क्या करता है, जानवर, आदमी, मछली, चिड़िया, कौआ, हर कोई खतरा जहाँ उसको होता है वहाँ से दूर भागता है। यहाँ खतरा ऐसे दूर भागूंगा, और हम लोग क्या करते हैं रिपोर्टर्स या क्राइम रिपोर्टर्स के, जहाँ खतरा होता है उसी में घुसते हैं। प्रियंका दुबे एक पत्रकार हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर पिछले 13 साल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। उनकी पहली किताब नो नेशन फॉर वुमेन 2018 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने 2012 से 2018 पे रेप की रिपोर्ट करने के अनुभव के बारे में गहराई से लिखा है। प्रियंका के लिए उनका काम अपने समाज और देश के बारे में सीखने और जानने का जरिया है, पर ये सीख की एक क्राइम रिपोर्टर क्या कीमत चुकाती है। इस एफ रेटेड इंटरव्यू में वो खोलती हैं एक महिला क्राइम रिपोर्टर के अंतर्मन को। तो प्रियंका, हम दोनों ना बहुत समय से सोच रहे थे कि वो कौन सा सवाल है जो पहला सवाल होना चाहिए टू आस्क अ क्राइम रिपोर्टर, एंड वी थॉट कि हमारे दिमाग में ना ये हमेशा आता है कि व्हाट इज़ दैट सीन जहाँ पे आप चल के जाती हैं, लाइक वो पूरी जो प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस है कि आप तक ये न्यूज़ आई और अब आप कवर करने गए, लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है, वो सीन क्या होता है, आप कैसे वहाँ पर पहुँचते हो, क्या करते हो, व्हाट इज़ द डूइंग ऑफ योर रिपोर्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे वक्फे में बार बार हम स्पॉट पे जाते हैं, बार बार हम चीज़ों के पास जाते हैं, बार बार हम उसी जगह पे जाएंगे या फिर जो हमारा रिपोर्ट है उससे संबंधित और लोकेशंस पे जाएंगे, और उसके बाद एक हम रिपोर्ट फाइल करेंगे। तो कई ऐसा बहुत कम हुआ मेरे साथ कि मैं एक ही ट्रिप में या एक बार में या फर्स्ट स्लॉट में तुरंत अभी कुछ घटा और मैं तुरंत गई और तुरंत फाइल हुआ। तो कई बार अगर मैं तुरंत जा रही हूँ तो ज़रूर एक फॉलो अप रिपोर्ट होगी, नहीं तो मैं एक आध दो दिन बाद जाऊँगी। तो जब मुझे सूचना मिलती फिर मैं और गैदर करती हूँ। एक अपना प्राइमरली एक होमवर्क होता है मेरा, तो मैं अब लोगों से बात करूँगी लोकेशन के आसपास, लोगों से, अपने जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क है, जो साथी पत्रकार हैं, बहुत सारे और जितने भी मेरे सोर्सेज हैं उनसे बात करूंगी, लीड्स निकालूंगी, इंटरनेट के बेसिस पर जो और कुछ रिसर्च कर सकती हूँ वो करूंगी, बैकग्राउंड रिसर्च करूंगी, और डिपेंड करता है स्टोरी कैसी है। जितनी अच्छी आपकी तैयारी है, प्रेप है, अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर आप अंडरकवर जा रहे हैं, तो उसमें कई कई बार मैंने 6-7 महीने भी मेरी तैयारी में लगे हैं। जैसे कि मेरी एक मिसिंग गर्ल्स ऑफ लखीमपुर करके एक इन्वेस्टिगेशन थी जो वुमेन ट्रैफिकिंग पर थी असम में, तो उसकी उस पर तकरीबन 1 साल काम हुआ। तो जो फाइनल ट्रिप थी, मतलब वो 8-9 महीने बाद हुई जब हमने काम करना शुरू किया, तो उसके पैरेलली आप काम करते रहते हो और 8 महीने बाद वो फाइनल ट्रिप हो रही है, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी तैयारी करनी है। और मीन वाइल आप दूसरी रिपोर्ट्स भी कर रहे हो, बट आप एक बड़ी रिपोर्ट पर काम कर रहे हो कि आपको और भी खबरें, ऐसा नहीं हो सकता कि 8 महीने की लग्जरी किसी के पास नहीं है एक रिपोर्ट। तो मीन वाइल यू आर डूइंग स्मॉल स्टफ, आप और भी कर रहे हो, बट एक लंबी रिपोर्ट पे आपका काम चल रहा है तो आप गए वहां पर, तो वो होता है। बाकी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ती हूँ, जितना मैं पढ़ सकती हूँ, जितना मैं गैदर कर सकती हूँ, मगर मेरा ये प्रिंसिपल है कि जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज कैसे होगा, होमवर्क से होता है। तो रिस्क इज सॉर्ट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर होमवर्क। तो जब मैं शुरू में मैंने शुरू किया था 2010-12 में, तब तो मैं क्योंकि अगर मैं बहुत इंटीरियर्स में जाती थी तो मैं
फॉर द सेक ऑफ इट गूगल मैप्स की भी प्रिंट आउट लेके जाती थी कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा और अगर मैप ने काम नहीं किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ड्राइवर के साथ था। तो ऑब्वियसली अब मुझे समय के साथ ही समझ आया कि गूगल और लोकल इंटेलिजेंस को मिला के काम करना होता है। आप ग्राउंड पर सिर्फ गूगल के सहारे नहीं जा सकते और सिर्फ लोकल इंटेलिजेंस के सहारे भी नहीं जा सकते। तो हर चीज़ पर एक आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में एक बट, एक सेकेंड वॉइस चलती रहती है जिसमें बट, अगर ऐसा तो है मगर बट, ये तो आपने बोला बट, एक सेकेंड वॉइस है जो हर चीज़ को एक क्वेश्चन करने की जो प्रवृत्ति है, क्यूरियोसिटी, वो तो वो तैयारी होती है। और उसके बाद जब आप जाते हो फील्ड पर, तब मैं मोमेंट में सबमिट कर देती हूँ खुद को। मतलब मैं इसको बहुत ग्लोरीफाई करके नहीं कहना चाहती, कोई मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए मैं उस क्षण में इतना ज़्यादा शामिल होती हूँ, मतलब हाथ पांव ऐसे तने हुए अंदर से रहते, किसी को पता नहीं चलता, बट आप इतने अलर्ट रहते हो, यू आर सो अलर्ट, और आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, और आप इतने प्रेजेंट होते हो, मैं इतना इन्वॉल्व होती हूँ उस मोमेंट में, वहाँ पर मैं सारी चीज़ों में, तब मेरे को कुछ हो तब मैं ध्यान नहीं रहता कि आई एम लाइक टोटली फोकस्ड, नॉट ओनली ऑन द स्टोरी, बट लाइक मैं इतना इन्वेस्ट, निवेशित करती हूँ खुद को, और उसके लिए कभी मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं इतना निवेशित हो जाती हूँ कि फिर वो वहाँ पर, आप उनके साथ, अगर कोई परिवार है जो बहुत बहुत पीड़ित परिवार है, जैसे बदायूं का परिवार, जिनकी जो दो कजिन सिस्टर्स की डेड बॉडीज हमें आम के पेड़ से, डेड मैंगो ट्री वाली जो स्टोरी थी, आपको पता है 2015 की बात है, 14 की बात है, तो आप वो फैमिली का आप हिस्सा हो, आप ये नहीं बोस्टफुल होकर कह सकते कि नहीं मैं आपके, मतलब आप, लेकिन फिर भी आप उनके, आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब आप अपनी अपनी शांति में, अपने आप अपनी क्वाइटनेस में, अपनी चुप्पी में भी आप वहाँ पर हो, और फिर आप धीरे धीरे बात करते हो, और आप, आई फील कि मैं, आई एम अ पार्ट ऑफ द पीपल, जो मेरे देश के, हमारे जो लोग हैं, हम उनसे बात कर रही हूँ और उनका एक लार्जर उसका हिस्सा हूँ। और उस समय फिर जब हम बाद में डेस्क पर आते हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कॉग्निटिवली, और अपन उसको एक सर्जन के प्रिसिजन से अपन उसको वो भी करते हैं, हम अच्छे से लिखते भी, ऐसा नहीं कि बहुत ही उसमें बहुत अनवांटेड मेलो ड्रामा, मैं कभी वो नहीं, मगर मुझे लगता है ट्रूथ जैसा उसको वैसा ही रखना, वो अपने आप में इतना उसमें इमोशनल पावर होता है कि उसके ज़रिए मैं फिर उसको वहाँ पर प्लेस करने की कोशिश करती हूँ। और लॉजिस्टिक्स है उसका, जो कि मेंटल तैयारी ज़्यादा होती है, लॉजिस्टिक्स भी है, लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है तैयारी करने का, जितनी दूर हो कई बार आपको जगह जानी है, जैसे एक बार मैं एक ऐसी, जिसमें एक ऐसी रिपोर्ट पे काम कर रही थी, नीम अजमंदसौर हाईवे, यहाँ पर जिस, यहाँ पर मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रैफिक करके वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का एक पूरी कवर स्टोरी थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो वो इतने बदनाम कई बार ऐसे इलाके होते हैं कि वहाँ पर कोई टैक्सी ड्राइवर्स नहीं जाना चाहते, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी टैक्सी का नंबर नोट हो जाएगा, तो कैसे जाएं, हर किसी गाड़ी से आप जा भी नहीं सकते क्योंकि आपको रात को 2 बजे जाना है, मतलब कौन पागल होगा जो रात को 2 बजे हाईवे के बीच में आपको सर्दी का मौसम है दिसंबर में ले जाना चाहेगा, बोलेंगे पागल है ये लड़की, इसके साथ कौन मरेगा जाके, क्योंकि दीज आर डेंजरस एरियाज और ये लोग टूरिस्ट घुमाने वाले लोग ही, कहाँ जाएंगे, को लगेगा कोई बीच का दलाल वलाल कट्टा वट्टा लेके आ जाएगा और मतलब आप मर सकते हो। तो ये फिगर आउट करना कि भाई अब गाड़ी नहीं है तो साधन कैसे, अगर आप बहुत शेडी इलाके में जाना चाहते हो तो कई बार वहाँ पे बहुत आपको, फिर आपका लोकल, आपका जो नेटवर्क है, जो सिर्फ मनुष्य का मनुष्य से संबंध है, वो जो आपने अर्जित किया है अपनी मेहनत, अपनी कमाई, अपने जो एक आदर आपका फील्ड पर होता है अगर आप लगातार काम करते हैं, लोग बहुत मदद भी करते हैं, तो वो लॉजिस्टिक्स आपको फिगर आउट करनी पड़ती है। वो मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रही है, मगर गाड़ी वाड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जाऊँ पहुँचूंगी कैसे, रहना कहीं भी हो जाता है। आपको एक कब महसूस हुआ कि आप एक वुमेन क्राइम रिपोर्टर हैं इन सारे सीन्स पे, जहाँ पे ना दिस एलिमेंट आपका जेंडर है, आपको ये महसूस कराया गया या आपको ये लगा? बहुत बार ऐसा, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे जब आप शुरू करते हो इनिशियल ईयर्स में, तो आपको कोई बहुत बहुत सीरियसली, जैसे हम अगर हम जा रहे हैं, इफ़ आई एम मीटिंग हाई पुलिस ऑफिसर्स, हाई लेवल, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स और हाई रैंक ऑफिशियल्स इन एनी डिपार्टमेंट, तो मुझे स्ट्रेटेजिकली अपनी क्लोथिंग बदलनी पड़ी कि मतलब मैं थोड़ा सलवार कुर्ता है, थोड़ा मतलब, बिकॉज आप कई बार इतने
किडिश लगते हो, या ऐसे अगर यंग बच्चे की तरह लगने लगते हो, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली बिकॉज यू आर अ वुमेन. मगर उसके अलावा बहुत बार ऐसा हुआ फील्ड पे. कई बार मुझे लगता है कि मैं बदायूं में घूम रही थी जब ये बदायूं सिस्टर्स वाला केस हुआ था, और घूम रही हूँ वहाँ पे, इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है. मैं बाद में दूसरी ट्रिप की बात कर रही हूँ, और वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है. तो अब मैंने इतना आप उसको दिखाई दे रहा है कि मैं इतने देर से लोगों से बात कर रही हूँ, एंड आई एम अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस. मतलब ऐसा नहीं, मैं बहुत सीरियसली अपना काम कर रही हूँ, आई एम वेल ड्रेस. पर भी वो पीछे से मैंने लोगों से पानी मांगा क्योंकि बहुत धूप थी और मेरा पानी ख़त्म हो गया था. तो मैंने पूछा किसी के पास पानी है क्या, तो उसने बोला ये, उसने पीछे से ताना दिया मुझे कि ये मैडम लोग चली आती हैं, इनसे होता तो है नहीं काम, धूप में खड़ा तो हुआ नहीं जाता. और इन लोगों को इसी तरह की उसने कोई मतलब फप्ती जैसी कसी मेरे ऊपर. तो मुझे कई बार लगता है कि एक अस्वीकार्यता, ये तो मैं आपको बहुत हल्का सा एक एक बात बता रही हूँ. अगर आप पुलिस ऑफिस, अगर आप पुलिस स्टेशन्स में जाते हैं, अगर आप PHQs में जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर क्राइम से वास्ता रहा, तो मैं PHQ में बहुत जाती थी और भी लोगों से मिलती थी. तो एक तरह का मतलब एक अनीज आ जाता है, जैसे आप कमरे में एंटर करते हो ना, मतलब जैसे उनको दिखाई देता है कि कोई फीमेल क्राइम रिपोर्टर आई है, तो एक अनीज आ जाता है. और बिकॉज मैं, हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर होता है कि हमें ज़्यादा नो नॉनसेंस रहना है, मतलब एकदम ही टू द पॉइंट, और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना. मैं ज़्यादा चाय वाय भी नहीं पीती किसी के यहाँ, मतलब दफ्तरों में जाकर आई एम लाइक आई कट टू आई कीप इट कीप माई माई कॉन्वर्जेशन टू माई पॉइंट. एक अनीज है, एक सॉर्ट ऑफ एक तनाव जैसा आपको मतलब महसूस होता है कि हमने ये कहाँ से आ गई, मतलब ये कौन है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि दुनिया में जो मुझे मिली हैं, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे अपने घर में आई हैं. और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे कहीं फील कराया गया कि आई एम अ फीमेल रिपोर्टर, तो वो मेरा डोमेस्टिक फ्रंट था. तो बाहर मुझे बहुत चैलेंजेस मिलते हैं, बट बाहर के चैलेंजेस मुझे लगता है कि मैं जैसे तैसे करके, बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं. सेफ्टी का चैलेंज होता है, सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरी सेफ्टी का है, और वो मेरी खुशकिस्मती है कि अभी तक मैं अपने को बचा के और ये सारे काम करती आ गई हूँ, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं. जबकि मैं बहुत रिमोट एरियाज़ में गई हूँ, बहुत ही छोटे छोटे गाँव में, बीहड़ में, चंबल में, जंगलों में, और मतलब बिना होटल वोटल के दिन रात ऐसे बहुत ही रिमोट एरियाज़ में कहीं भी रुक जाते हैं जहाँ पे. तो बहुत रात में ट्रैवल करना, बहुत मैंने फेक इनकाउंटर्स पे काम किया, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे काम किया है. तो ऑनलाइन ट्रोलिंग भी बहुत होती है, जो एक नया फिनोमिना है 2014 के बाद का, विशियस ऑनलाइन ट्रोलिंग. तो वो भी बहुत होती है. तो वो सब भी हैंडल करते हो आप, आपको थ्रेट्स मिलते हैं, वो सब भी आप हैंडल करते हो. कई बार ब्लैंक कॉल्स आते हैं, आपको डर लगता है पीपल, तो वो तरह के तो होते हैं थ्रेट्स. कई बार मुझे बीच में शुरू में ब्लैंक कॉल्स आते हैं, तो आपको जब 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 ब्लैंक कॉल्स का ज़माना, अब तो खैर नए तरह के थ्रेट्स हो गए, सीधे ऑन ट्विटर रेप थ्रेट्स, और बहुत तरह की समस्याएं हैं. तो वो सब होता है उनसे, फिर भी आप एक कठोरता, एक अपने मन को निष्ठुर बनाकर, और आप एक मुट्ठी बांध कर आप उनसे लड़ने को तैयार हो सकते हो कि हाँ लड़ लूंगी मैं, और लड़ते भी हो. यू पुट अप अ स्ट्रांग फेस, ऑब्वियसली यू फाइट. बट आपको जो चीज़ थोड़ा ट्रबल करती है वो फैमिली वाला फ्रंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब अपनी फैमिलीज, अपने अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें समझेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे. बट एक करियर चॉइस की तरह ये एक इतनी अनकन्वेंशनल चॉइस है इंडियन फैमिलीज़ के लिए, और अभी भी होगी. जब मैंने स्टार्ट किया था 2000 में, तब 2010 में 11 में, तब तो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल थी, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इमोशंस आपके इन्वेस्टेड होते हैं, एंड बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स, तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है. तो वो उलाहनाएँ और वो डिस्करेजमेंट और वो मतलब एक वो जो होता है कि हम घर की इज्जत बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से, एक ऐसे पेशे में शामिल होकर जिसमें इतना आउटगोइंग होना है या जिसमें इतना ट्रैवल करना है, तो ये काफ़ी मीटिंग, गोइंग टू प्लेसेस लाइक कोर्ट एंड हॉस्पिटल्स, मीटिंग अननोन मेन, एंड ट्रैवलिंग एट ऑड आवर्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट गुड वुमेन डू, एंड हेंस आई एम नॉट अ गुड वुमेन, आई एम ब्रिंगिंग बैड नेम टू माई फैमिली, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये सब बहुत पेनफुल हो जाता है. तो ये घर में बहुत फील आपको कराया जाता है, यू आर अ फीमेल रिपोर्टर. बाहर तो कराया जाता है, ऑनलाइन अलग कराया जाता है, ऑफलाइन अलग कराया जाता है, और मगर घर वाला बहुत ट्रिकी है, वो चैलेंजिंग ज़्यादा होता है. हाँ आई थिंक ये लैंडस्केप जो आपने बताया एक तरीके से, कि सेफ्टी एक तरीके से होती है, फिर डिस्कम्फर्ट भी होता है,
फिर एक तरीके से डिस्करेजमेंट आता है. क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने किस तरीके से ये बात खोली अपने घर में, अपने परिवार में, और किस तरीके से आपको परसीव किया गया जब आपने ये डिसीजन लिया करियर चॉइस? उस टाइम तो बहुत, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही पारंपरिक रूढ़िवादी और कॉन्जर्वेटिव फैमिली से मैं हूँ, और तो वहाँ पे मैथ्स और साइंस का था, और लड़कियों को, मैं फर्स्ट जनरेशन मतलब ग्रेजुएट हूँ अपने घर में, लड़की हूँ मैं, मतलब उससे पहले कोई ग्रेजुएट नहीं था, और वो शादियाँ जल्दी हो जाती थी, घर के कामों में सुघड़ और प्रवीण और वो सब होना चाहिए वैसा था. तो यही बहुत बड़ी बात थी कि तुमको पढ़ाया जा रहा है और पढ़ने के का मौका मिल रहा है, और तुम इस तरह के गुल खिला रही हो, ये सब पढ़ना चाहती हो, ये क्या पढ़ाई है. तो मेरे को खुद भी, इतने छोटे होते हो कि आपको खुद भी ठीक से पता नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हो. तो आए मैं जर्नलिज्म पर रिजेक्शन के थ्रू ज़्यादा पहुंची कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन मुझे ये अट्रैक्ट करता है, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो मुझे बताने में उनको बहुत समस्या आई. सबसे ज़्यादा तब जब बीच में एक ऐसा वक्फा आया जब मैंने तहलका छोड़ा और मैंने फ्रीलांस किया, तो फ्रीलांस में तो मुझे बहुत प्रेशर था कि दिल्ली छोड़ के घर आ जाओ, ये कौन सी नौकरी है, फ्रीलांस क्या होता है, इसमें तो कोई दफ्तर ही नहीं है. जबकि मैंने अपना सबसे अच्छा काम अपने फ्रीलांसिंग के दिनों में किया, उस काम को का बहुत इम्पैक्ट हुआ, अदालतों में वो रिपोर्ट्स लगी, सपोर्टिंग एविडेंस की तरह रिपोर्ट्स लगी, उसके इम्पैक्ट से बहुत लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, बहुत सारे मेरा हाई इम्पैक्ट स्टोरीज में से मेरे फ्रीलांसिंग दिनों की स्टोरीज, जिनको रिकॉग्निशन भी बहुत मिला, अवार्ड्स भी बहुत, सब कुछ बहुत इम्पैक्ट बहुत हुआ, बहुत बढ़ी गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत फ्री होकर काम कर पा रही थी, और मैं फ्रीलांस करने की जो कीमत होती है कि बहुत फ्रूगल आपको जीना होता है, थोड़ा सा बैकअप रखना होता है, तो मैं जीती थी बहुत छोटे से कमरे में मुनीर का मिलेकर, एक छोटा सा उसमें रहती थी, मगर मुझे काम, मैं बहुत खुश थी. मुझे लगता है कि मेरे सबसे गरीबी के दिन मेरे सबसे सुखी दिन थे, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष करके मैंने काम किया, इतना अच्छा काम था वो. अब लगता है कि, मुझे लगता है कि वो समय बहुत अच्छा समय था. वो समझाने में बहुत कष्ट आता है कि, और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्री पे या किताब पर, जिसके लिए आप नौकरी नहीं करना चाहते, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा समय के साथ थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बट वो नहीं समझते, उनको तीन चीज़ें समझ में आती हैं. एक तो ये कि ट्रैवलिंग एट ऑड आवर्स, मीटिंग अननोन मैन, अननोन पीपल, गोइंग टू प्लेसेज लाइक कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन, एंड दीज आर हॉरेबल थिंग्स, यू नो, अच्छे घरों की लड़कियाँ, ये सब वो सब, मतलब बहुत, मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगता है अभी, मगर अब धीरे धीरे बदला है. अगर अगर आपके इमिडिएट पेरेंट्स आपको किसी तरीके से इस बिंदु पर आकर समझने की कोशिश करते भी हैं, तो अगर रिश्तेदार वगैरह कान में बहुत फीड करते हैं कि हाथ से निकल गई, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब, ये क्या कर रही है, और बदनामी हो रही है, रेप पर किताब लिखी है, इससे कौन शादी करेगा, ये एक रहता है. तो मैंने उनको समझाया बहुत समझते, मगर ऐसे क्लैरिटी से जो मैंने आपको बोला कि हमारे पेशे का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा नहीं पसंद आता, इसमें जो आउट गोइंग नेचर है, तो टीचर क्यों नहीं बन जाती, बी एड कर लो. वो मेरे पेशे की वजह से, मतलब वो उसमें गांठ आ गई, वो जब से मैंने प्रोफेशन चूज किया, तो वो, मतलब उस, वो पहले जैसा कभी नहीं रहा. तो आपने जैसे कहा ट्रैवलिंग ऑड आवर्स और मीटिंग अननोन मेन एंड बीइंग एट कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ें रियल भी हैं, आपके काम का बहुत बड़ा हिस्सा है ये सब चीज़ें. तो ये आपके अंतर्मन या आपकी सॉर्ट ऑफ इनर लाइफ या आपके मेंटल लैंडस्केप को कैसे अफेक्ट करती है? आपने कहा आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, तो आपके काम का फिर उस लैंडस्केप पे क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे काम का, मेरे मतलब एग्जिस्टेंस पे, जो मैं जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, कई बार हम अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना होती है, जब हम देखते हैं खुद को कि ये दिस इज आई एम, बहुत बहुत डैमेजिंग असर पड़ा है और बहुत इनरिचिंग भी पड़ा है, दोनों दोनों चीज़ें. तो मैं डैमेजिंग ऐसे पड़ा है कि, क्योंकि मैंने जो लगभग मेरा 12-13 साल कॉन्स्टेंट जो मेरा रिपोर्टिंग का काम रहा, 12 ईयर्स, तो उसमें मैंने बैक टू बैक विदाउट एनी ब्रेक,
मैंने बहुत सिग्निफिकेंट, मेरा सौभाग्य रहा ये कि मुझे बहुत सिग्निफिकेंट स्टोरीज कवर करने का मौका मिला, और मैंने वो मौके बनाए भी। उसके लिए मैंने बहुत सारे अवसर छोड़े हैं, मैंने बहुत नौकरियां करी नहीं, मैंने जानी नहीं करनी, नहीं चाहिए पैसे, मैं ऐसी रह लूंगी। तो मैंने अपने लिए बनाए भी बहुत अवसर, और जैसे कि मैंने जैसे फ्रीलांस करा, फिर तो एक ही रिपोर्ट करी, कम में का चलाया, मगर अच्छी रिपोर्ट्स पे मेरा मन था कि मुझे अच्छी, मुझे सिग्निफिकेंट का करनी रिपोर्ट्स। तो उन रिपोर्ट्स की वजह से क्या होता है कि जब आप सिग्निफिकेंट, क्या हमारी कंट्री इतने क्राइसिस से अभी भी गुजर रही है, हमेशा ही ऐसी परिस्थिति रही मोर और लेस, तो कास्ट है, वॉयलेंस है, सोशल जस्टिस की रिपोर्ट्स हैं, ट्रैफिकिंग है, रेप है, या फिर और भी जितनी बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्स्टेंटली चलती थी, पॉलिटिक्स भी मैंने कॉन्स्टेंटली, पॉलिटिकल रिपोर्ट्स भी मैंने करी, क्राइम की रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी क्राइम जो जिसमें सोशल जस्टिस और जेंडर के बहुत सिग्निफिकेंट एंगल्स होते थे, उस तरीके से मैंने क्राइम को कवर किया, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग भी। तो इन सारी रिपोर्ट्स में क्या होता है कि आप बहुत सारा ट्रामा कलेक्ट करते हो अपने लिए। मैं इसको कई बार लिखती थी तो मैं बोलती थी कि बारूद के ढेर पर जीने जैसा है, धीरे धीरे कभी भी उसमें आग लगती है और आप खुद को, मतलब आप अपने लिए बारूद तैयार करते हो, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव, क्योंकि आपको हॉन्ट करता है बहुत, जैसे मुझे, और हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, फोटोज रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो भी कई बार, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं करती क्योंकि लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, बट करते हैं, तो फिर आप डेस्क पर आकर उसको सुनते हो, रीप्ले करते हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो स्टोरी के समय, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ हो गया काम, अब समोसे खाऊँ, मतलब ऐसा नहीं कर पाती मैं तो आकर, और फिर आप उसके साथ हो, अगर आप एक लंबा काम कर रहे हो तो फिर आप वापस जाते हो, फॉलो अप करते हो, तो वो लोग आपके साथ एक एक लिमिटेड, आपका उनसे एक संबंध भी हो जाता है लिमिटेड सीमा में, और वो आपका पीछा करते हैं, वो शब्द आपको और वो लोग। तो मेरे को तो बहुत, मैं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं, लगता है मुझे कि मैं आई एम अ म्यूटेंट ऑफ माई ओल्ड सेल्फ, मतलब जो मैं पहले थी उसको कुछ डिस्टॉर्ट होकर कुछ अब दूसरा बन गई हूँ, क्योंकि मुझे, मुझे मेरे अंदर कुछ बहुत मैसिव चेंज हो गया है। हम जब हम लिखते हैं, और जब वैसे मैं नो नेशन पे काम कर रही थी, वो रिपोर्टिंग की किताब है, उसके स्लग में लिखा है रिपोर्टेज ऑन वुमेन, रिपोर्टेज ऑन रेप फ्रॉम इंडिया। तो मतलब मैंने उसमें ये कहीं दावा ही नहीं किया कि मैं कुछ और कर रही हूँ, मतलब मैंने बहुत विनम्रता से लिख दिया कि रिपोर्टिंग है। तो वो क्या होता है कि जब आप ऐसे लंबे किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वो आपको बड़ा बहुत प्रभाव होता है, आप बहुत ज़रा दुख आ जाता है, एक सैडनेस आती है बहुत, ये बहुत सतही रिड्यूस रिडक्टिव तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, उनकी एक इनर सैडनेस आती है, जब जो कि एक और ऐसा नहीं, एक होप भी होती है जब आप देखते हो कि लोग जो इतने ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में भी अदालतों में जाकर सालों साल लड़ने को तैयार हैं, तो आपको उम्मीद भी मिलती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में विश्वास। मैं बहुत, आई एम अ लाइक फियर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मेरा संविधान पे बहुत विश्वास है, जब भी वो मुझसे कोई आइडियोलॉजी पूछता है मैं कहती हूँ आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आई गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखते हो कि लोग इतनी ख़राब हालत में, उनके साथ इतना, इतनी ट्रैजिक सिचुएशंस होती हैं, फिर भी वो कोर्ट बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, तो कोर्ट जाने को और लड़ने को, इतनी गरीब मुश्किल परिस्थितियों में भी, अपने बच्चे खोने के बाद, रेप्स, बहुत सारी वायलेंस के बाद भी, तो वो आपको होप भी देती है। माय रिपोर्टिंग हैज़ बीन अ ग्रेट एजुकेशन फॉर मी एंड बिग प्रिविलेज, मतलब इसने मुझे इतना सिखाया है, इतना मुझे मनुष्य बनाया है, बेटर ह्यूमन बींग बनाया, इतना मेरे अंदर स्वीकार्यता, टॉलरेंस, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मगर इसने मुझे बहुत डैमेज भी किया है। तो मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि मुझे छोड़कर बीच में फिर थोड़ा सा एक गैप लेना पड़ा अभी एक साल का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा हो जाता था, और हम बीबीसी में भी कॉन्स्टेंटली ये हुआ कि हेल्थ पर, कोरोना, उसके पहले इंसेफलाइटिस मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया, जब बच्चे मर रहे हैं, हर साल बुखार हो रहा है, हर साल आप जा रहे हो, तो आप क्या होता है वार्ड में आपने इतना देख लिया इतने सारे लोगों को, तो वो पीछे पीछे सपनों में आता है वो, और बच्चे रो रहे हैं, क्राइज, यू नो, यू आपको ट्रबल हो जाते हो इमोशनली। फिर आपका क्या है, फैमिली लाइफ, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती, उसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो। नॉर्मल पता नहीं क्या होता है, मैं तो अभी इसी को क्वेश्चन करती हूँ व्हाट इज़ नॉर्मल, बट मुझे बुक्स ने बहुत हेल्प करी। फिर मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ना शुरू किया, तो लिटरेचर, पोइट्री पढ़ने से मुझे बहुत हेल्प हुई, बहुत कविता पढ़ती हूँ, कविता पढ़ने से, लिटरेचर पढ़ने से थोड़ा, और एक्सरसाइज करना मैंने शुरू किया, उससे मैं थोड़ा सा ठीक हुई, बट ये आपको बहुत अफेक्ट करती है इमोशनली, बहुत डैमेजिंग हो सकती है, थोड़ा मोड़ा डैमेजिंग नहीं, लाइक डिपेंड करता है, पर कुछ लोग बहुत टफ होते हैं,
उनको बायलाइन हार्डन जर्नलिस्ट या कुछ भी बोलते हैं, बट मैं इतने साल में भी मैं मतलब वैसे ही टफ नहीं हो पाया. आई स्टिल गेट वेरी वेरी कैरीड अवे. मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ. मैं दूर से खड़े होकर रिपोर्ट नहीं कर पाती, मुझे घुसना ही पड़ता है. और फिर घुसकर मैं फिर बहुत उसमें, तो ये बहुत ट्रबलिंग है. इसका बहुत ये बहुत बड़ी प्रिविलेज भी है. आपको बहुत इंडिया के बारे में आप 50 किताबें पढ़ के इतना नहीं समझ सकते. बहुत शिक्षित होते हो आप, बहुत विनम्रता आती है आपको, आपके पांव जमीन में आ जाते हैं. इतनी आपको एक नागरिक होने का अर्थ समझ में आता है, एक सक्रिय एक्टिव सिटीजन, एक पैशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके अंदर एक एंगर तो होता ही है. आई वॉज ऑलवेज एंग्री. एक आइडियलिज्म और एक एंगर तो था ही, तभी तो हम लोग करने आए थे ना. आई वॉज ऑलवेज अ लिटिल कॉकी, आइडियलिस्टिक करना ही था. मगर आपको विनम्रता बहुत आती है कि देखो, सीखने को मिलता है कि आप आपके अपने देशवासियों से, बहुत लोगों से, और आपको प्लूरलिज्म का सही मतलब समझ में आता है. मगर इसकी बहुत कीमत है. मतलब फैमिली लाइफ फक्ड अप हो जाती है, दोस्त नहीं बचते, बहुत आइसोलेटेड भी फील होता है. और दोस्त आपके आप ही के जैसे होते हैं, दो चार जो रिपोर्टर्स, वो खुद भी उनके बहुत डार्क, एक डार्क साइड्स होते हैं. मैं अभी ये भी सोच रही थी कि आपने स्टार्टिंग से जितने भी केसेस को रेफ़र किया, जो आप थोड़े एग्जांपल्स दे रही थी, तो एक बहुत एक रेंज है ना, कहीं सेक्सुअल वायलेंस है, कहीं आप सिटीजनशिप की बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब. तो प्रियंका, आपकी क्राइम की समझ क्या बनी है इतने सालों के काम को देखते हुए, करते हुए? सोशल एक इम्प्यूनिटी की जो भावना है वो ऊपर से लेके नीचे तक ट्रिकल करती है. अगर आप एक गरीब से गरीब और उस तरह के परिवार में भी चले जाएं, जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है, बट उस परिवार में मैंने देखा है कई बार जो जिसके पास ताकत है, जैसे पुरुष है तो वो अपने से जो भी कमज़ोर है, स्त्री है, उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि वो एग्जर्ट कर सकता है पावर, तो करेगा. बहुत मेरी किताब में एक चैप्टर था इन कस्टडी रेप्स के ऊपर, जो पुलिस स्टेशन पर रेप हुए, तो उसमें बहुत बड़े बड़े अफसर तो जो भी थे वो थे छोटे छोटे, मतलब जिसमें कहते हैं कि बहुत एकदम शुरुआती जो पद होते हैं पुलिस थानों में, हवलदार या बहुत ही शुरू में, और बहुत असिस्टेंट क्या सब इंस्पेक्टर के से भी जो थोड़े नीचे के पद होते हैं, उस पद पे काम करने वाले लोग, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी ताकत है, तो उन्होंने भी अपने गाँव के बॉर्डर पर कोई, जो उनको एक लड़की दिखी तो उसको उठा के ले आए, और मतलब रेप की घटना वहाँ पे हुई. तो हर आदमी जिसके पास जितनी भी ताकत है वो उसको इम्प्यूनिटी से एक्सरसाइज करना चाहता है अपने से कमज़ोर आदमी के ऊपर. तो वो जो अपने से कमज़ोर कम्युनिटी, इतनी सी भी ताकत है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन तू तो नहीं है ना सब इंस्पेक्टर, मतलब आप तो नहीं हो ना सब इंस्पेक्टर, तो मैं आपको, आई विल एक्सप्लॉइट यू, आई विल यूज़ माई पावर. आई एम नॉट अ कमिश्नर, मैं DIG नहीं हूँ ना, मैं पूरा स्टेट चला रहा हूँ, बट मैं अपने जिले में उसको एग्जर्ट करूंगा. आपके जॉब के बाहर, फील्ड के बाहर या ऑन द फील्ड, पितृसत्ता की आपकी समझ कैसे बनी है? ऑलरेडी समझ होगी पहले भी एक तरीके की, बट इसके इस काम के जरिए पितृसत्ता के बारे में क्या आप समझे हो? एंड ऑल्सो हाउ इट वर्क्स ऑन द फील्ड. पॉलिटिकल रिपोर्टर्स आदमी होते हैं ज़्यादा, किन रिपोर्ट्स पे आपको महिला बच्चा रिपोर्टर कोने में बैठा हुआ पहले कहा जाता था, अब उस रिपोर्टर ने सेंटर स्टेज ली है धीरे धीरे. महिला बच्चा रिपोर्टर अब वैसी महिला बच्चा रिपोर्टर नहीं रही जैसे 10 साल पहले थी. शी हैज़ मूव टू द सेंटर स्टेज फाइनली, और उसके काम को बहुत रिकग्निशन मिला है. ये 10 सालों की कॉन्स्टेंट मेहनत आपके मेरे बहुत सारे लोगों के उसका नतीजा है. मगर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ जब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स स्टार्स होते थे न्यूज़ रूम के, अभी भी बहुत हद तक ये सच है. और कौन कौन सी बीट कवर करता है, इन्वेस्टिगेशंस या फिर एडिट पेजेस पर कौन बैठता है, जो हैवी वैचारिक या हैवी लिफ्टिंग, ब्रेन का हैवी लिफ्टिंग है वो, या फिर जहाँ रिस्क टेकिंग और करेज की हैवी लिफ्टिंग है वो काम किसको मिलता है. यहाँ पर बहुत सारा पावर प्ले होता है जिसमें आपको लड़ना पड़ता है कॉन्स्टेंटली. फील्ड पर तो होता ही है, ऑपरेट करता है हर तरीके से, लोग सेक्सिस्ट रिमार्क्स करते हैं जब आप काम करोगे, तो पावर सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, पुलिस सर्कल्स में, हर जगह आपको, बट यू हैव टू, बहुत मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ जाता था. बहुत लोग थिक स्किन्ड होते हैं, आई एम नॉट दैट थिक स्किन्ड, बट मैं फिर भी उस टाइम जब हो रहा होता है तब मैं अपने को इकट्ठा करके, और आई लाइक बी ब्रेव, आई एम लाइक मैं घर पे रहूंगी बंद करके दरवाजा, किसी को पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पे आई लाइक आई फाइट, आई एम दिस वॉरियर, आई एम लाइक आई वोंट लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी. आपने जो भी काम है उससे यही सोच रही थी कि प्रियंका फिर ये काम क्यों, ये काम क्यों करते हो, क्या है इसके अंदर? नहीं, आई थिंक ये तो बहुत अच्छा सवाल है.
मुझे नहीं पता, आई थिंक आई वॉज द चूजन वन. जैसे हम कुछ लोग होते हैं ना जिनको इट इज़ बेसिकली इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे पोइट्री को समझाना या लव को समझाना बहुत कठिन होता है, वैसे आप क्यों करते हो? क्योंकि मैं एक जर्नलिज्म की फेलोशिप पर गई थी बाहर, तो वहाँ पर हमें शुरू यहाँ से किया गया बात को कि दुनिया के जो सारे लोग होते हैं वो खतरे से, आम आदमी क्या करता है, जानवर, आदमी, मछली, चिड़िया, कौआ, हर कोई खतरा जहाँ उसको होता है वहाँ से दूर भागता है, यहाँ खतरा है ऐसे दूर भागूंगा मैं. और हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टर्स या क्राइम रिपोर्टर्स के, जहाँ खतरा होता है उसी में घुसते हैं और घुसते हैं और घुसते हैं. तो ये जानलेवा भी कई बार होता है, बहुत ट्रबलिंग होता है, डिफिकल्ट होता है. तो व्हाई डू यू डू इट? आई थिंक पीपल, आई थिंक आईव ऑलवेज बीन, मैं बहुत पैशनेट थी इसको लेकर. मुझे लगता है मुझे जर्नलिज्म ने बहुत कुछ दिया, जितना मुझसे लिया और जान वसूल करी इसने मुझसे, मेरी मतलब जान प्राण लिए हैं मेरे, ये प्राण ले लेता है, वाकई लेता है. जैसे कि कई बार कैलाश मानसरोवर और बहुत यात्राओं के बारे में, तीर्थ के बारे में ये मान्यता है कि तीर्थ, किसी भी जो वास्तविक बड़ी तीर्थ यात्रा होती है उसमें एक ऐसा क्षण आता है जब आपका जो मन, जो यात्री है, उसका अहम टूट जाता है और उसका पूरा मतलब वो अब सरेंडर कर देता है, इतना थक जाता है उसको, इतना ट्राई करता है नेचर, इतना उसकी इतनी परीक्षा लेता है कि वो चलते चलते इतना थक जाता है कि वो कह देता है नहीं, अब नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मतलब उस वो सरेंडरिंग की पोजिशन में, बिकॉज आप उसको इतना खींच के इतना टायर डाउन कर देते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्रेयर की तरह, मेरे लिए बहुत प्रेयर की तरह, मैंने हमेशा अपने काम को बहुत प्रार्थना की तरह देखा है और बहुत बहुत इसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत प्रार्थना की तरह इसको देखती हूँ. और इसने मेरा सब कुछ ले लिया मुझसे, मतलब इतना मेरे प्राण लिए हैं, मेरा सुकून लिया है, मेरी नींद ले गया, मेरा चैन ले गया, मेरा मेरा पीस जो होता है, मतलब इतना ज़्यादा. आई एम ऑलवेज ऑन अ स्टोरी कॉन्स्टेंटली. मेरा पूरा यूथ जो था, मेरे सबसे ब्यूटिफुल ईयर्स मेरे 20s के, तो और 30s के भी, मतलब जितने अभी तक भी मैं यही करती रहती हूँ. और मेरे को डिसीज भी एक लगा दिया कि मैं इसको किए बिना पढ़ने लिखने के सिवा मुझसे कुछ होता नहीं है और आई कैन डू एनी थिंग. आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो, आप अंदर से एक नॉर्मल, आपकी कोई लाइफ ऐसी नहीं रहती सब लोगों को जैसी कि अच्छा बहुत फ्राइडे नाइट लेट्स गो फॉर अ फिल्म, ऐसा कुछ रहता नहीं है. और आपके दिमाग में कहीं भी कुछ न्यूज़ फीड आ जाए, यू गेट सो अफेक्टेड कि अरे ये क्या हो गया ये क्या हो रहा है, तो आप अफेक्टेड हो जाते हो बहुत. आपको एक डिसीज, आप भागते हो उसकी तरफ, आप अपने शरीर को भी बहुत हार्म करते हो, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं. तो ये सब कुछ लेता है आपका ना, आपका अहम पूरा टूटता है, सब कुछ, दिस टेक्स एवरीथिंग, इट इज़ अ वेरी ऑल कंज्यूमिंग वर्क. बट पीपल ऑफ इंडिया वो बहुत आपकी मदद भी बहुत करते हैं. लोगों ने मुझे एक कमरे में कूलर है उसमें बच्चे सो रहे हैं, उस कमरे में बच्चों के साथ सुलाया है कि खुद गर्मी में सोए हैं, मतलब रैंडम छोटे शहरों के लोग. हाँ हम जाते थे, मेरे को, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मगर मेरे रिपोर्टिंग की वजह से मेरे को कोई ऐसा हुआ कि हम बड़े शहर नहीं जा पाए. तो ये जो आपको प्यार मिलता है लोगों का, ये भी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है. आपकी रिपोर्ट्स का असर होता है जब ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशंस के बाद बच्चों मतलब उनके ऊपर जो लीगल फ्रेमवर्क था उसमें उसके नट बोल्ट कसे गए, नई रिकमेंडेशंस आई, बच्चे बचे, और रेड्स में बहुत सारे बच्चे बरामद हुए, उनका जीवन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक सेंस ऑफ पर्पज़ आपको मिलता है. और इतना सब कहने के बाद भी जो आखिरी बात मुझे लगती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बिल्कुल, इट्स लाइक बीइंग इन लव. मतलब कई बार आप बहुत आपको नहीं समझा पाते कि आपको इतनी टेरेबल इंसान से क्यों प्यार है, मतलब आपको लगता है कि ये टेरेबल, इसमें बहुत कष्ट है और पैसे तो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत बाद में थोड़े ठीक पैसे मिलना शुरू होते हैं, और कई बार तो जीवन भर अच्छे पैसे नहीं मिलते. तो लोग कई बार कहते हैं कि आदित्य मैं तो तुम IAS बन जाती हूँ, इतना पढ़ रही हो, इतनी काम किताबों में आंखें फोड़ रही हो, या जो भी चीज़ें, या अगर बैंकर ही बनना था तो बहुत पैसे कमा लेती. तो पैसे भी बहुत कम होते हैं, और आप जितने ईमानदार होंगे उतने कम पैसे आपके पास होंगे. तो मुझे तो कोई बहुत ऐसा इसमें वो नहीं कि आपको लगता है, मगर इट हैज़ इसमें बहुत पावरफुल है कुछ ऐसा जो आपको खींचता है, बहुत मेडिटेटिव है और एक सेंस ऑफ पर्पस देता है. इसने मुझे बहुत ताकत दी है अपने अंदर के, जो अपने जो एज बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने का अर्थ मैंने से समझना शुरू किया. और एज बीइंग अ इंडियन वुमेन मुझे बहुत इससे बड़ा, अपने काम से, काम ने मुझे बहुत सब कुछ दिया, दो अपना किचन चलाने भर का पैसा, अपना एक एक रिस्पेक्ट, एक जो मेरा रिस्पेक्ट है, और बहुत बहुत कुछ देता है ये आपको, ये काम.
ब्लाबर कर रही हूँ मैं बेसिकली, आई कांट एक्सप्लेन कि क्या है. प्रियंका, बहुत सारी जो महिलाएं लड़कियां हैं जो रिपोर्टर बनना चाहती हैं, आप फिर उन्हें क्या कहना चाहोगे, किन चीज़ों की ज़रूरत है क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए? मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लगे कि आप पहले 6 महीने के लिए अच्छे से इसको ट्राई करो, और अगर आपको लगे कि अगर आप मतलब होपलेसली, इफ़ यू आर होपलेसली इन लव विद दिस वर्क, अगर आपको लगे कि आपको बहुत, आपको इस काम से बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, आपको बहुत पैशन है अपनी कंट्री को लेकर, लोगों को जानने को लेकर बहुत पैशन फील होता है अंदर से, अगर आवाज़ आए तो आप इसे करो. मगर मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी कि जो मैं हमेशा यंगस्टर्स से कहती हूँ, स्पेशली यंग लड़कियों से कहती हूँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबी इनिंग्स करनी है जर्नलिज्म में और लंबे समय तक काम करना है, तो आप डे वन से एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए टाइम रखो अपने शेड्यूल में, नहीं तो आपकी पीठ, ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, और लोग नहीं तो आप बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, 12-12 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है बहुत गंदी रोड्स पे, और कई बार बस में ट्रैवल करना पड़ता है, मैं ट्रैक्टर पे भी बैठ के गई हूँ, बाइकों पे जाना पड़ता है, बहुत गंदे रिमोट एरियाज में ऐसे ऐसे धचके लगते हैं और आपकी कमर की बैंड बच सकती है, और आप ये काम इतना ज़्यादा कंज्यूमिंग है कि ये आपको टाइम नहीं देता, तो ये आपको इमोशनली बहुत परेशान करेगा. उसको आप भी झेलने के लिए आपको शरीर मजबूत रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट डेली करें, 50 मिनट 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज डेली करें, और बहुत पढ़ें, मतलब रिपोर्टिंग और नॉन फिक्शन की किताबें हिंदी अंग्रेज़ी में बहुत पढ़ें, दोनों भाषाओं में, दो भाषाओं पे, जो भी आपकी भाषा है, दो, अंग्रेज़ी के सिवाय एक और भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये मेरे को बहुत लगता है, और बहुत पढ़ने के लिए कविताएं बहुत पढ़िए, उससे आपको साहस रहेगा और ढाढ़स बंधेगा, लिटरेचर आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको मुश्किल आ सकती है, जीने में मुश्किल आएगी, तो लिटरेचर आपको बचाएगा, लिटरेचर और पोएम्स और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें, और ये तो फिर बहुत मेहनत से करने, इसको मैं मान के चल रही हूँ कि इसको आप करेंगे अच्छे से, बट ये कर पाएँ उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये यात्रा रुके नहीं बीच में. I read, मैं सुबह उठ के पोएम पढ़ती हूँ, तो कोई अच्छी, आई हैव लॉट ऑफ पोएट्री बुक्स, तो मैं एक पोएम पढ़ती हूँ सुबह उठ के, बहुत ज़्यादा इंसेनिटी है, हम ट्विटर खोलो 2000 नोटिफिकेशंस के साथ, आप मर जाओगे ऐसे, यू विल डाई इवेंचुअली, मतलब खुद को भी तो बचाना है. सो बिफोर वी एंड दिस, वुड यू लाइक टू रीड अ पोएम? मैं आपको एक मैरी ऑलिवर की पोएम सुनाती हूँ, है ना, बहुत अच्छी है वो, यूजेस ऑफ सॉरो, यानी कि दुख का क्या इस्तेमाल हो सकता है, बहुत छोटी सी पोएम है मैरी ऑलिवर की, मेरी बहुत प्रिय पोएट है, तो समवन आई लव्ड वंस गेव मी अ बॉक्स फुल ऑफ डार्कनेस, इट टुक मी इयर्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस टू वाज अ गिफ्ट, बस इतनी सी है. यूजेस ऑफ सॉरो, तो इसका मतलब है कि डार्कनेस से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो. ये पोएम मुझे इसने बड़ा प्रभावित किया था, मतलब मैं जब पहली बार पढ़ी तो हिल गई थी मैं, और कुंवर नारायण की एक कविता मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ही, वो हमारे, वो उन्होंने 2002 के दंगों के बाद लिखी थी. इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी ना भरता. ये तो सनसनी और खुलासे का एक ही अंश हुआ. इसके और पहलू सुनने के लिए जुड़े रहें निरंतर रेडियो के नए शो एफ रेटेड इंटरव्यू से.